हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बनाएंगे कटहल का पुलाव। तो बनाना शुरू करते हैं, लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स, मैं अपना कटहल का पुलाव जो है उसमें भिगोने में बनाऊँगी। मैंने भिगोना गर्म करने के लिए रख दिया है। अब मैं इसमें ऑयल डालूँगी। यहाँ पर मैं सरसों का तेल यूज़ कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से कोई सा भी तेल यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैं यहाँ पे 3 बड़े चम्मच सरसों का तेल ले रही हूँ। इसे मैं गर्म होने दूँगी। गैस की फ्लेम को मैं हाई कर दूँगी ताकि तेल अच्छे से गर्म हो जाए। फ्रेंड्स, अब हमारा जो ऑयल है वो अच्छे से गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें अपनी कटहल ऐड कर रही हूँ। कटहल को मुझे ब्राउन होने तक फ्राई करना है। देखिए, मैंने यहाँ पे 250 ग्राम कटहल ली है। इनके मैंने बीज निकाल लिए फ्रेंड्स अच्छे से। मैंने यहाँ पे 250 ग्राम कटहल ली है। इसे मैं गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करूँगी। तो वेट करती हूँ इसका फ्राई होने का। देखिए, अब हमारी जो कटहल है वो धीरे धीरे ब्राउन होने लगी है। हमें इन्हें लाइट ब्राउन ही होने तक फ्राई करना है, फिर हम इसे बाहर निकाल लेंगे। सिर्फ 1 मिनट के लिए और फ्राई कर लेती हूँ मैं इन्हें, फिर इनको मैं बाहर निकाल लूँगी। फ्रेंड्स, हमारी जो कटहल है वो एकदम डन है। मैं गैस की फ्लेम को मीडियम कर देती हूँ और इनको सबको बाहर निकाल लेती हूँ। इसके बाद हम अपनी इसमें प्याज जो है उसे फ्राई करेंगे। फ्रेंड्स, मैंने अपनी कटहल सारी बाहर निकाल ली और ऑयल हमारा भी गर्म है। मैं इसी के साथ साथ अपनी इसमें प्याज भी फ्राई कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने एक बड़ी प्याज ली है जिसे मैंने बारीक बारीक काट लिया है और हाथों की मदद से अच्छे से मैश करके एक एक पीस अलग कर दिया है। अब मैं इसे फ्राई करूँगी। गार्निशिंग के लिए मुझे ये प्याज यूज़ करनी है, इसलिए मैंने ज़्यादा प्याज नहीं लिया। अब इसको आप फ्राई करोगे ना तो इसी में जो जैसे जैसे फ्राई होती रहेगी तो जो प्याज है ना वो एक एक होती रहेगी। प्याज का फ्राई होने तक का वेट करते हैं फ्रेंड्स। देखिए, अब हमारी जो प्याज है वो भी फ्राई हो चुकी है। मुझे इससे ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करना है। अब मैं इसको बाहर निकाल लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, दोनों चीज़ों को फ्राई करने के बाद हमारे जो भिगोना उसमें इतना ही ऑयल बचा है। अब हम अपना जो कटहल का पुलाव है उसे बनाना शुरू करते हैं। और गैस की फ्लेम को मैं मीडियम करूँगी क्योंकि जो ऑयल है वो काफ़ी हीट में है और ज़्यादा गर्म है, इसलिए छींटे ना लगे इस वजह से मैंने मीडियम गैस कर ली है। यहाँ पे मैं 1/2 छोटी चम्मच जीरा ले रही हूँ। देखिए, जीरा हमारा तड़क चुका है। इसी के साथ साथ मैं यहाँ पे 2 तेज़पत्ता ले रही हूँ। 1 टुकड़ा मैंने लिया यहाँ पर बड़ी इलायची का, इतना छोटा टुकड़ा लिया है मैंने दालचीनी का, 4 से 5 मैंने लौंगे लिए है और 6 से 7 मैंने यहाँ लिया काली मिर्च। देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो जीरा अच्छे से भुन चुका है। अब मैं इसी के साथ यहाँ पे 2 चम्मच लहसुन प्याज का पेस्ट ले रही हूँ।
लहसुन प्याज के पेस्ट को अच्छे से भून लेंगे। इसी के साथ मैं इसमें यहाँ दही ऐड कर रही हूँ। मैं यहाँ 1 कप दही ले रही हूँ, मुझे ज़्यादा खट्टा नहीं करना अपना पुलाव। मिला लेंगे इसे अच्छे से। जब तक हमारा दही अच्छे से भुनना जाए तब तक हम इसे पकाएंगे अपने दही को। फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं इसमें 4 हरी मिर्चें डाल दूंगी। हरी मिर्चों को मैंने बीच में से फाड़ लिया है, मुझे पुलाव में फ्रेंड्स ऐसी हरी मिर्चें पसंद है। पकने दूंगी अपनी दही को अच्छे से। अब इसी के साथ साथ मैं अपने यहाँ पे मसाले ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे मैं 1 चम्मच धनिया पाउडर ले रही हूँ, पिसा हुआ धनिया, और 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च ले रही हूँ कि मैंने हरी मिर्चें भी डाली है इसमें, मुझे ज़्यादा तीखा पुलाव नहीं बनाना। मिला लेंगे अच्छे से। इसी के साथ मैं यहाँ पे पुलाव का मसाला ऐड कर रही हूँ। आधा छोटी चम्मच यहाँ पे मैंने पुलाव का मसाला लिया है। और 1/2 छोटी चम्मच फ्रेंड्स यहाँ पे मैं हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ। नमक मैं इसमें बाद में डालूंगी, उसका भी एक रीज़न है, आप वीडियो देखते रहिए, मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी। मसाला अच्छे से भून लेंगे अपना। जब तक भुनेंगे जब तक दही अच्छे से पक ना जाए और सारा ऑयल ऊपर ना आ जाए। फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अपना यहाँ पे कटहल डाल दूंगी जो मैंने फ्राई किया था, ताकि उसमें जो अच्छे से मसाला चला जाए। इसी के साथ मैं यहाँ पे अपना कटहल ऐड कर रही हूँ। सारा कटहल ऐड कर दूंगी मैं। मिला लेंगे अच्छे से। देखिए फ्रेंड्स, हमारी जो दही है और जो मसाला है उसने अच्छे से ऑयल छोड़ दिया। हम इसमें अपना जो चावल है वो ऐड कर देंगे। यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने बासमती चावल लिया है, अब मैं यहाँ पे अपने चावल ऐड कर रही हूँ। ये मैंने 250 ग्राम चावल लिए है यहाँ पे, क्योंकि फ्रेंड्स 250 ग्राम जो है हमारा कटहल था और 250 ग्राम मैंने यहाँ पे चावल लिए है, सेम क्वांटिटी में लिए मैंने। हम मिला लेंगे चावलों को और कटहल को अच्छे से, फिर बाद में हम अपना इसमें पानी ऐड करेंगे। ज़्यादा नहीं चलाना, नहीं तो हमारे कटहल के जो पीस है ना वो घुल जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे पानी ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे मैं 2 गिलास पानी डाल रही हूँ, क्योंकि मेरे जो चावल है वो वैसे भी मैंने उनको फुला के रख दिया था, तो वो हल्के फूल चुके हैं। हमें इन्हें ज़्यादा नहीं पकाना है, नहीं तो ये घुल जाएंगे। बस ढक के रख देते हैं अपने पुलाव को, पकने का वेट करते हैं फ्रेंड्स। अब हम इसी के साथ इसमें नमक ऐड कर देती है। यहाँ पे मैं 1 बड़े चम्मच नमक ले रही हूँ। आप अपने स्वाद अनुसार यहाँ पे नमक ले, नमक को भी अच्छे से मिला देंगे ताकि वो अच्छे से सारे पुलाव में अच्छे से मिल जाए। अब इसी के साथ मैं यहाँ पे थोड़ी सी प्याज ले लेती हूँ जो मैंने फ्राई करी थी, उसकी मैं गार्निशिंग कर देती हूँ। मैंने ज़्यादा सारी प्याज नहीं डाली है, मैंने आधी प्याज डाली है, आधी मैं बाद में डालूँगी अच्छे से गार्निशिंग करने के टाइम पे। सो वेट करो, पूरी वीडियो को देखो फ्रेंड्स।
आपको पता लग जाएगा कि मैं कैसे गार्निशिंग कर रही हूँ बाकी की प्याज की। इसके वेट करते हैं पकने का। फ्रेंड्स, अब हमारे जो फ्लावर काफ़ी हद तक पक चुके हैं, अब हम इसी के साथ इसमें अपनी बाकी बची हुई प्याज ऐड कर देंगे। देखिए, मैंने यहाँ प्याज डाल दी। इसी के साथ थोड़ा मैं यहाँ पे धनिया डाल दूंगी, जिसे मैंने बारीक काट लिया अच्छे से। धनिया डालने में फ्रेंड्स आप कंजूसी मत करें, क्योंकि ये पुलाव है, इसमें धनिया अच्छे से जाएगा ही जाएगा। इसी के साथ मैं यहाँ पे 2 चम्मच दूध ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास आप दूध नहीं चाहते तो आप इसमें केवड़ा या गुलाब जल भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास केवड़ा या गुलाब जल नहीं है तो आप इसमें दूध डाल सकते हैं। दूध बेस्ट ऑप्शन है, ये आपको हर घर में मिलेगा। अब हमने गैस की फ्लेम को मीडियम कर रखा है और मैं इसे ढक के रख दूंगी 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि हमारे जो चावल है वो स्टीम में ही पक जाए अच्छे से। फ्रेंड्स, अब हम इसका ढक्कन हटा लेते हैं। देखिए, धुआं निकल रहा है इसमें से। चेक कर लेते हैं अपने पुलाव को, साइड से चेक करेंगे। देखिए, मिला लेंगे इन सबको अच्छे से। एक 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 चावल हो चुके हैं। देखिए, मैं आपको दिखा देती हूँ। फ्रेंड्स, हमारा पुलाव रेडी है। हम गैस की फ्लेम को कर देते हैं ऑफ। फ्रेंड्स, आपको अगर मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो फ्रेंड्स मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो ओके, बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।